नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स हाजिर हैं और तारीख है 17 जून। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में यहां पर है कि नासा ने के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बनाई गई है, उनका नाम आपको जरूर याद रखना होगा। तो फिलहाल आगे चलते हैं आज के करंट अफेयर्स में, देखते हैं। जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को देखने से पहले उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पर, अपने फेसबुक वॉल पर और आपके जो भी व्हाट्सएप हैं, ग्रुप हैं, जहां पर भी आपने ज्वाइन कर रखा है उनको वहां पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली जानकारी की तरफ चलते हैं। पहली जानकारी जो है के वेणुगोपाल, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल। अक्सर मैं भी बहुत सारे लोगों की तरीके अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूं कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता में क्या अंतर होता है। कभी कभी मैं महाधिवक्ता को सॉलिसिटर जनरल समझने लगता हूं और ऐसा मेरा सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण होता है। तो आज के बाद आपकी और मेरी यह अज्ञानता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज हम जरूर देखेंगे कि महान्यायवादी क्या होता है और महाधिवक्ता में क्या फर्क है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल, जिन्हें आप महान्यायवादी हिंदी में कहते हैं, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वो थे के वेणुगोपाल राव। भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी मुकुल रोहतगी थे, जबकि पहले न्यायवादी आपके एमसी सीतलवाड़ थे। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। वेणुगोपाल जी का मौजूदा 3 साल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। के वेणुगोपाल देश के प्रमुख अधिवक्ता हैं। उन्हें 30 जून 2017 को देश के 15वें अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का जिक्र जो आपको मिलेगा वो अनुच्छेद 76 में मिलेगा। महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं और इनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पद सृजन किया गया है, सॉलिसिटर जनरल। वर्तमान समय में आपके जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो हैं तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि ये सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल क्या करते हैं? सॉलिसिटर जनरल बस यही एक काम नहीं करते हैं कि वो सरकार को कानूनी मामलों में सलाह नहीं देते, बल्कि बाकी सभी जो भी कोर्ट से जुड़े हुए काम होते हैं यानी कि न्यायालय से जुड़े हुए काम होते हैं वो निपटाते हैं। भारत का महान्यायवादी किसी भी अदालत में जाकर वकालत कर सकता है और किसी भी अदालत में जाकर सरकार का पक्ष रख सकता है। इन्हें ये संसद की बैठक में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामले में केंद्र सरकार को सलाह देना है और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्तमान समय में आपके महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। इनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही ये मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता। भारत के महान्यायवादी की अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसको आपको भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में ही आपको पढ़ने को मिलेंगे। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, यानी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 88 में कहा गया है। आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88 दोनों ही सीजीएल 2018 में पूछे गए थे प्री के परीक्षा में। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए, वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार के केस में महाअधिवक्ता होता है, जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो हाल फिलहाल महाअधिवक्ता यानी अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल किसी देश या प्रदेश का उच्च विधि अधिकारी होता है जो प्रायः विधिक मामलों में न्यायालय और सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए भारत में सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्य में जो स्थिति महाअधिवक्ता की होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की होती है। संविधान के अनुच्छेद 167 में आपको महाधिवक्ता मिल जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 76 में आपको अटॉर्नी जनरल मिलेंगे जबकि 167 में एडवोकेट जनरल मिलेंगे। ये सॉलिसिटर जनरल नहीं है। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी के अंतर्गत काम करते हैं और उनकी सहायता के लिए काम करते हैं। वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता है। तो कंफ्यूज मत हो,
संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वह उसी के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। वे सारी योग्यताएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित होती हैं, वही महाधिवक्ता के लिए भी निर्धारित होती हैं। महाधिवक्ता का वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए सभी विषयों पर विधि संबंधी सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य है। राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने तथा भाषण देने का अधिकार भी महाधिवक्ता रखता है, किंतु उसे भी किसी विषय पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। देश के पहले सॉलिसिटर जनरल डीके डफ्तारी थे। ये देश के पहले सॉलिसिटर जनरल थे, सीके डफ्तारी। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चले चलते हैं आपको उड़ीसा। उड़ीसा में एक प्रसिद्ध नदी है महानदी। महानदी पर एक विश्व प्रसिद्ध डैम बना हुआ है जिसे कहा जाता है हीराकुंड डैम। विश्व में अभी तक इतना लंबा डैम नहीं बना। अगर आप तटबंडों सहित उसकी सारी लंबाई को नाप लें तो ये डैम यानी ये जो बांध है ये 25.8 किलोमीटर लंबा है। मैं डैम के बारे में क्यों बात करने लगा, यहां बात तो मंदिर के बारे में होनी है। उड़ीसा में अभी हाल ही में एक मंदिर पाया गया है जिसकी ये माना जा रहा है कि उसकी आयु 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास का है, यानी लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। उड़ीसा की महानदी में एक प्राचीन जलमग्न मंदिर मिला है, यानी कि ये जल में डूबा हुआ है। 60 फीट का यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। यह मंदिर कटक के पद्मावती क्षेत्र के बिंदेश्वर के पास नदी में पाया गया है। मंदिर की निर्माण शैली और निर्माण में उपयोग सामान को देखकर यह लगता है कि यह मंदिर 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास का है। माना जाता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर मिला है उसे उस इलाके को पहले सतपताना कहा जाता था, क्योंकि यहां पर एक साथ 7 गांव हुआ करते थे। 7 गांवों के लोग इसी मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। पद्मावती गांव भी इन्हीं गांवों में से एक था और नदी में बार बार बाढ़ से गांव नदी में समा गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में मंदिर को स्थानांतरित कर सुरक्षित व ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जो वर्तमान में पद्मावत गांव का गोपीनाथ देव का मंदिर है, और इसके अवशेष जो है वो अभी हाल ही में महानदी में पाए गए हैं। अब चर्चा महानदी की। महानदी की बात करें तो महानदी आपके छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा तक जाती है। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की यह सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानंदा या नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप आपको धमतरी जिले के स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है, जबकि इसका जो प्रवाह है यह दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी इधर से इधर की ओर है। इसकी लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। स्रोत सिहावा जो कि रायपुर के समीप धमतरी जिले पे है, जबकि जो मुहाना है उसको फालसे पॉइंट कहा जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पर जो एक प्रसिद्ध पुल बना हुआ है उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु कहा जाता है, और इस पर जो विश्व प्रसिद्ध डैम बना हुआ है उसे हीराकुंड डैम कहते हैं। हीराकुंड डैम यानी हीराकुंड बांध उड़ीसा की महानदी पर निर्मित बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे एक विशाल जलाशय है जो कि इसके द्वारा इकट्ठा किए गए जल से बना है, और यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत के शुरुआती बनाए गए बांधों में से एक है। इसका निर्माण कार्य 1957 में पूरा हुआ और इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, टोटल लंबाई अगर देखें तो ये विश्व का सबसे लंबा डैम माना जाता है। इसको 1947 में बनाना शुरू किया गया था, जबकि 1957 में इसको कंप्लीट किया गया। महानदी पर बना हुआ है। महानदी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में उड़ीसा में एक पुराना मंदिर मिला है। क्योंकि उड़ीसा की चर्चा छिड़ी है तो उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है यहां पर। अभी अगर कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं तो वंदे उत्कल जननी उड़ीसा ने अपना एक राष्ट्रगान अपनाया है, उसका नाम है वंदे उत्कल जननी। ये एक स्वतंत्रता संग्राम का गीत था जो कि अभी यहां पर राष्ट्रगान के रूप में इन्होंने अपना लिया है, राज्य गान के रूप में अपना लिया। राष्ट्रगान तो मतलब भारत का हो गया। सीएम नवीन पटनायक ने अभी हाल ही में उड़ीसा पुलिस ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए स्टेट का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया। सी विजिल वोटर हेल्पलाइन ऐप, ताकि चुनाव में जो मतदाता है उनकी सहायता की जा सके, इसको अभी हाल ही में ई गवर्नेंस अवार्ड एक्सीलेंस 2019 से सम्मानित किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर ने पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया।
वेटरन ओडिसी डांसर यानी कि ओडिसी डांसर पद्मश्री मिंती मिश्रा का भी हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मिंती मिश्रा का संबंध किस डांस फॉर्म से था, तो वो ओडिसी से था। 8 टाइम के नेशनल अवार्ड विनर मनमोहन महापात्रा एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। दूसरा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी कि दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, नवीन पटनायक द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। इंडिया जो है वो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है, मेजबानी करने वाला है, और इसकी जो थीम है वो किक ऑफ द ड्रीम रहेगी और ऑफिशियल स्लोगन है इसका। उड़ीसा पहला स्टेट बना जिसने SHG के लिए एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, मिशन शक्ति। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए एक नया मंत्रालय बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट ही बना दिया, उसको मिशन शक्ति बनाने वाला उड़ीसा पहला राज्य है। कोरोना वायरस के दौरान उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक ने मो जीवन नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए था। उड़ीसा सीएम ने अभी हाल ही में अपने पिताजी पर आधारित एक पुस्तक रिलीज की थी, द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, और उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर एक मो प्रतिभा करके प्रोग्राम शुरू किया था ताकि जो घर बैठे बच्चे हैं वो बोर ना हो और उनके अंदर जो भी प्रतिभा है वो बाहर निकलकर सामने आ सके। नवीन पटनायक जी को अभी हाल ही में पेटा का हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने जानवरों को लॉकडाउन के दौरान खाना खिलाया था और उनका भी ख्याल रखा था। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर है, स्टेट ट्री पीपल है, अशोक का जो फ्लावर होता है, अशोक के जो फूल होते हैं वो स्टेट फ्लावर है, यहाँ का स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है, और सांभर हिरन जो है वो स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु है। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, इनका नाम है कैथी लीडर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब आप इंसान को किसी और ग्रह में बसते हुए देखेंगे। हमारा जीवन के अंदर हो गया तो ठीक, नहीं तो ये होना ही है। ये एक ऐसी कल्पना है जो सच होने के कगार पर है। मनुष्य पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह में बसने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में नासा का साथ दे रही है SpaceX और बोइंग जैसी कंपनियां। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, जिसने ये बीड़ा उठाया है कि वो मानव के जो है वो अंतरिक्ष में भेजने के लिए कैप्सूल बनाएगा, जहाज बनाएगा, और ऐसे पहला मिशन उन्होंने संचालित किया। क्योंकि ये चीजें अब प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गई हैं तो इनका प्रॉपर परीक्षण होना भी जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना घट जाए, और इस परीक्षण के लिए जिनके पास समय सालों का अनुभव है उनको ही इसका मुखिया बनाया जाता है। तो हाल फिलहाल नासा की कैथी लाइडर्स को अभी हेड बनाया गया है जो भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होंगे, ये उनकी अनुमति के बिना नहीं हो पाएंगे। अभी जो मानव को भेजा जाने की कोशिश हुई स्पेस क्राफ्ट के जरिए, SpaceX कंपनी के जरिए, एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क ही पेपाल के मालिक थे, तो इसका एसोसिएट प्रशासक बना दिया गया है और उन्हें मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बना दिया गया है। लाइडर्स एक वाणिज्यिक क्रू मैनेजर थी और 2014 में अंतरिक्ष यात्रियों को निजी अंतरिक्ष यान पर भेजने के लिए नासा के प्रयासों को निर्देशित करती थी, और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जो विचार है वो कहीं ना कहीं कैथी लाइडर्स की ही देन है कि आज आप इस विचार को सही होता देख रहे हैं। 2024 में नासा का पूरा मेन मिशन है कि वो किसी भी तरीके से मानव को चंद्रमा में भेजेगा, और ऐसे में इस तरह की जो खोज हो रही है प्राइवेट कंपनी द्वारा, SpaceX और बोइंग कंपनी द्वारा, तो उसको प्रॉपर उसको परीक्षण के फेज से गुजारने के लिए किसी न किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हेड की जरूरत थी, और ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट जो भी मिशन होंगे उसकी हेड बनाई गई है कैथी लाइडर। कैथी से याद आ रहा है कैथरीन सुलविन का नाम आपने सुना होगा। कैथरीन सुलविन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला थी। कुछ दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही उन्होंने चैलेंजर डीप में गोता लगाकर वो पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में भी स्पेस वॉक किया है, और चैलेंजर डीप जो मरियाना ग्रह यानी कि मरियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वहां पर भी छलांग लगाई है। तो कैथरीन सुलविन वहां पर उनका नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए, और यहां पर इनका नाम है कैथी लाइडर जो पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला हेड बनी है। अगली जानकारी है, अगर आप गैस खरीदना चाहते हैं, LPG नहीं, अगर आप नेचुरल गैस खरीदना चाहते हैं और उससे बिजली बनाना चाहते हैं, नेचुरल गैस खरीदना चाहते हैं, तो बड़ा आपके पास बड़ा सा ग्रिड है, तो उसके लिए एक बड़ी खबर है कि आपके लिए आ गया है IGX यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज, जहां पर आप रियल टाइम पे गैस की खरीद फरोख्त कर पाएंगे। तो हाल फिलहाल केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। IGX पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है
ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा, साथ साथ गैस की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता भी लाएगा। दो बातें याद रखनी है, इंडियन गैस एक्सचेंज किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। प्राकृतिक गैस के लिए शुरू किया गया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केंद्र की प्रगतिशील नीति का एक संकेत है। इससे देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। IGX को भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जो भारत का पहला ऊर्जा बाजार मंच है। तो भारत का पहला ऊर्जा बाजार मंच है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहां पर आप जाकर इस पोर्टल पर जाकर अपने लिए एनर्जी खरीद सकते हैं। ऐसी ही कुछ जानकारी कुछ हफ्ते पहले आई थी कि सरकार ने एक रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट डेवलप किया, और रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का मतलब यह है कि बीच में जो बिचौलिए हैं उनको हटाना। अब कंपनियां जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जिन्हें डिस्कॉम भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां डिस्कॉम, तीन तरह की कंपनियां होती हैं। एक वो जो बिजली बनाती है उन्हें ग्रिड कहा जाता है, नॉर्मली ग्रिड कहा जाता है, और एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, जैसे हमारे यहां कानपुर में कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी यानी कि केस्को, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि ग्रिड से बिजली खरीदती। अब यहां पर एक नया रियल टाइम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी जगह अगर केस्को बिजली खरीदना चाहती है तो उसे 24 घंटों के दौरान 48 ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर अलग अलग बिजली बनाने वाली कंपनियां अपने रेट फ्लोट करेंगी, और उन रेट के फ्लोट करने के बाद केस्को अगर उनकी बिजली लेना चाहता है तो उनकी बिजली ले लेगा, उस जो भी मूल्य वो निर्धारण करेंगे। तो इस तरीके से फायदा क्या होगा? इस तरीके से फायदा ये होगा कि आपने जो अनुबंध कर दिया है, अगर बिजली की मांग घटती है बढ़ती है, या बिजली के मांग में तेजी या कमी आती है, या बिजली में के मूल्य में कोई कमी या तेजी आती है, तो उसको रियल टाइम पे एडजस्ट किया जा सकेगा, जिससे बिजली कंपनियों को होने वाला जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो सरकार ने अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रिसिटी मंच भी लॉन्च किया था, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। आगे चलते हैं, एक अच्छी खबर है कि सेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी इंजन क्यूलिनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की है। सेफ अंगद सिंह राणा क्वालिटी इंजन क्यूलिनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये मूल्य का क्वालिटी इंजन लैम्ब और 40,000 रुपये का से अधिक के मूल्य का सी फूड और एक वेबर BBQ भी जीता है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता क्वालिटी इंजन क्यूलिनरी कप है, जिसको जीता है सेफ अंगद सिंह राणा ने। अगली जानकारी है, अनमोल नारंग, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पहली सिख महिला हैं जो US मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर बनकर इतिहास रच दिया है। लगभग 1100 कैडेटों में से इनका नाम आया है, और जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान कैंपस में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था। इसे उम्मीद है कि उसके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उसके प्रयास के अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, और जिसकी वजह से जो सिख धर्म के साथ उनका रवैया है वो थोड़ा सा बदलेगा। वैसे उनका लालन पोषण जो हुआ है वो रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। तो अनमोल नारंग पहली सिख महिला स्नातक बनी है जो US मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करके निकल के बाहर आई है। US मिलिट्री से याद आया कि US एयरफोर्स में पहले अश्वेत व्यक्ति को हेड बनाया गया है, और इस पद पर पहुंचने वाले ये पहले अश्वेत व्यक्ति है। सीनेट कंफर्म द फर्स्ट ब्लैक एयरफोर्स चीफ, जो उनका नाम है जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर। कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि उनको एयरफोर्स का सबसे बड़ा 4-स्टार अधिकारी बनाया गया है, जो इस पद पर पहुंचने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। अब बारी है न्यूज फटाफट की। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया गया। फैमिली रेमिटेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी विदेश में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, वहां से आप जो पैसा भेजते हो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। तो अभी हाल ही में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 जून को इस डे को मनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत इस तरह का शुल्क प्राप्त करने वाला, इस तरह से पैसा प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी सबसे ज्यादा रेमिटेंस अगर कोई देश प्राप्त करता है तो वो भारत है। हमारे जो बेटे या बेटियां हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, जो साथी हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, वो वहां से पैसा यहां भेजते हैं। तो हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलियंस इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। रेजिलियंस का मतलब होता है शक्ति प्रदान करना।
रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करना, क्राइसिस से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। तो इसकी जो थीम रही है वो है बिल्डिंग रेजिलियंस इन ए टाइम ऑफ क्राइसिस। अगली जानकारी है शंभु एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। शंभु एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभु एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। शंभु एस कुमार कहाँ जाने वाले हैं? फिलीपींस जाने वाले हैं। और अगर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कई सारे अपॉइंटमेंट किए गए हैं राजदूत के तौर पर, वो पूरे के पूरे यहाँ पर हैं। बहरीन में जो भेजे गए हैं वो है पीयूष श्रीवास्तव, कतर में दीपक मित्तल, श्रीलंका में गोपाल बागले, नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा, कनाडा में अजय बिसारिया, यूएसए तरनजीत सिंह सिंधु, हर्षवर्धन संगला की जगह, टर्की में संजय कुमार पांडा, फ्रांस में जावेद अशरफ, नाइजर में श्री प्रेम कुमार नायर। पिछले हफ्ते जो अपॉइंटमेंट हुए थे वो कुछ इस तरह से हैं। ब्रिटेन में गायत्री इससे कुमार, पपुआ निगिनी में सुशील कुमार सिंगल, फिनलैंड में रवीश कुमार, कुवैत में सीवी जॉर्ज और रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव, और स्विट्जरलैंड में, यहां पर नाम लिखना मैं भूल गया, मोनिका कपिल मोहता इनका नाम है, जिन्होंने सीवी जॉर्ज की जगह ली। सीवी जॉर्ज स्विट्जरलैंड में थे, फिर वो कुवैत चले गए, तो स्विट्जरलैंड में भेजा गया है मोनिका कपिल मोहता को, जो कि आपकी स्वीडन में कार्यरत थी। तो अब ये हो गया नाम, एक बार दोबारा से जल्दी से देख लीजिए। बहरीन में पीयूष कुमार श्रीवास्तव, कतर में दीपक मित्तल, ये सारे के सारे ऐसे अपॉइंटमेंट हैं जो पिछले दो महीने के दौरान हुए। नहीं, ये गोपाल बागले वाला थोड़ा जनवरी में हुआ, तो आप ये मानते थे पिछले छह महीने के दौरान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे एज ए एम्बेसडर और एज ए हाई कमिश्नर है। हाई कमिश्नर मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमिश्नर होता है, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है वहां पर आपका राजदूत या एम्बेसडर बोला जाता है, काम दोनों का सेम ही है। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है मैट पूरे, न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पूरे जी का भी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1953 से लेकर 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट में 355 रन बनाए और 9 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्हें कैंटरबरी के लिए 61 मैच खेले थे जिनमें कुल 2336 रन बनाए थे और 68 विकेट भी हासिल किए थे। तो आप देख सकते हैं कि कैरियर कुछ खास शानदार नहीं था, लेकिन मैट पूरे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये पूर्व क्रिकेटर थे, किस देश के थे? न्यूजीलैंड के थे। अगली जानकारी है, भारत एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के ग्रुप में शामिल हुआ है, और इसमें कई सारे बड़े बड़े देश हैं, जिसे GPAI कहा जा रहा है। जीपी या जीपे में बतौर संस्थापक सदस्य शामिल हो गया है। GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें चीन शामिल नहीं है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार पूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग को मार्गदर्शन करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब होता है कि जब आप किसी मशीन से बातचीत कर सकें, उस मशीन को इतना सेंस हो कि वो आपके प्रश्नों का उत्तर अपने सेंस के अनुसार आपको दे सके। आने वाला जो वर्ष होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा। अगर देखा जाए तो इस बार जो तेलंगाना सरकार है उसने 2020 के ईयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग हर जगह बढ़ती चली जा रही है। जो फोन है आपका वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, थोड़ा है लेकिन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऊपर काम करती हैं। आपने कई जगह ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जिसमें आप बातचीत कर सकते हो, कोई आप क्वेश्चन टाइप करते हो लेकिन वो क्वेश्चन आपका आंसर ऑटोमेटिकली जनरेट करके आ जाता है। तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है और आगे आने वाले समय में आप इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने वाले हो। और कैसा भी कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ऐसी है जो टाइम ट्रेवल को सफल बना सकती है। हाल फिलहाल क्योंकि ये जो ग्रुप है इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय, ये जिस मुख्यालय का प्रयोग करेगा वो OECD का होगा। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 35 देशों की एक अंतर सरकारी संगठन है, आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी।
फॉर्मेशन वैसे 16 अप्रैल 1948 को हुआ था, लेकिन अब इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 35 सदस्य हैं, यूनाइटेड स्टेट और इसमें संस्थापक, ठीक है। तो OECD के यानी कि पेरिस जो होगा जहां पर इसका मुख्यालय बनाया जाएगा, GPAI का। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है जिनको एक साल का विस्तार दिया गया है? तो वो है आपके KK वेणुगोपाल राव। कौन नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं? तो उनका नाम है कैथी लाइडर। उड़ीसा की किस नदी में एक प्राचीन जलमग्न 500 साल पुराना मंदिर मिला है? तो महानदी। पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्या बोला गया है? इंडियन गैस एक्सचेंज। किसको क्वालिटी एंजेड क्लीनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है? तो वो है सेफ अंगद सिंह राणा। किसे वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख बनकर दत्तात्रेय दिया है? तो वो है अनमोल नारंग। और हर साल पारिवारिक परीक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। किसको फिलीपींस में गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शंभु एस कुमारन। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, भारत के अटॉर्नी जनरल जिनको अभी हाल ही में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो वो है KK वेणुगोपाल राव। नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बनी है कैथी लीडर्स। उड़ीसा की किस नदी में प्राचीन जलमग्न 500 साल पुराना मंदिर मिला है? तो वो महानदी में मिला है। पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? तो वो है IGX, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। किसने क्वालिटी एंजेड क्लीनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है? तो उनका नाम है अंगद सिंह राणा, सेफ अंगद सिंह राणा। भारत में पहली रोग निदान प्रयोगशाला केवल कितने रिकॉर्ड दिनों के अंदर बना दी गई है? तो 8 दिनों के अंदर एक रिकॉर्ड प्रयोगशाला बनाई गई है जो कि संक्रामक रोगों के लिए काम करेगी। किसने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है? तो उनका नाम है अनमोल नारंग। हर साल पारिवारिक परीक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। किसको फिलीपींस गणराज्य का भारत का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है शंभु एस कुमारन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।